हाँ बच्चों, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से, पहले है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर कुछ जनरल मैपिंग है वो भी करेंगे। ध्यान देंगे सभी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो जनरल फॉर्म है बच्चों, एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। ए को हम नॉन जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि ए को जीरो ले लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ही बन जाएगा। ए जीरो ले लिया तो एफ जेड इज इक्वल टू बी आ गया, फिर तो कॉन्स्टेंट हो गया ये। ए को नॉन जीरो लेके चल रही है, अब मैं बोल सकता हूं दिस इज ए नॉन कॉन्स्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ए को हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो, तो क्या बोल सकता हूं इसको, नॉन कॉन्स्टेंट लीनियर मैपिंग। लीनियर इसलिए कि इसमें जड़ की पावर एक चल रही है। अच्छा, एफ जेड को हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड डब्ल्यू भी कह सकते हैं। जैसे रियल में हम क्या कहते हैं बच्चों, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स में हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, ऐसे ये वाला सिंबोलिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ए नॉन जीरो लिखा है तो आप कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन से नॉन कॉन्स्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ए नॉन जीरो आप लेके चल रहे हैं तो। जैसे हम रियल में लेके चलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स में लेके चलते हैं w इज इक्वल टू एफ जेड। ओके, अब मेरी बात सुनेंगे। एक इंटरव्यू की बात मुझे याद आती है, कैंडिडेट से एक क्वेश्चन किया गया कि आप ना एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाओ। जनरली जानते हैं बच्चे क्या होता है ग्राफ इसका, ये होता है, सब जानते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, ये इसका ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अगला क्वेश्चन उस बच्चे से ये क्या किया गया कि अब तुम ऐसा करो एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का ग्राफ बनाओ कॉम्प्लेक्स में। बात को समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन था कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है, इलेवेंथ क्लास से हम पढ़ते आते हैं, सिंपल सा ग्राफ है। द सेकंड क्वेश्चन वाज टू द कैंडिडेट वाज दिस कि इसका ग्राफ बनाओ एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का, एंड दैट फेलो वाज आंसरलेस। उसे ना तो यह पता था कि ग्राफ कैसे बनाऊं, बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, यह क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, सर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, हम रियल में इतने सारे ग्राफ बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ एक सिंगल कॉपी में नहीं बन सकते। रियल के ग्राफ क्यों बनते हैं? रियल के अंदर तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास होता है, एक्स रेंज में से आ रहा है, सॉरी डोमेन में से आ रहा है, और वाई आपका रेंज में से आ रहा है। आपने कोई एक्स की वैल्यू पुट की, वाई का आंसर आपने इसमें एक्स को रखा वन, वाई आ गया वन। ये रहा जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वन है, वाई वन है, तो ये पॉइंट आपने लोकेट कर लिया। आप इस पॉइंट को क्या बोलते हो, वन कॉमा वन। तुमने इसमें एक्स को रखा माइनस वन, वाई का आंसर फिर से वन आ गया, तो एक्स लिया माइनस वन, ये ऊपर लिया तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। इसके क्या कोऑर्डिनेट है, माइनस वन कॉमा वन। बच्चों समझ रहे हो क्या? रियल में तो असल में होता क्या है कि आप एक्स को लेते हो, एक्स एक्सिस जो डोमेन है तुम्हारा, उसका तुमने ये सेटअप बनाया हुआ है, तुम डोमेन को लेते हो एक्स एक्सिस पे और रेंज को लेते हो वाई एक्सिस पे, और वो एक पॉइंट आ जाता है। उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं हम, और उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके उनको मिला देते हैं, वो कर्व बन जाती है, वो कर्व बन जाती है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे खींच देंगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड है, जेड में खुद में दो अननोन है, आप प्लेन पे काम कर रही हैं। रियल में तो क्या होता है कि एक वेरिएबल हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, एक वेरिएबल वाई पे ले लिया, डोमेन के जो पॉइंट्स है वो हमने एक्स पे ले लिए, रेंज के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमने वाई पे ले लिए, और उन पॉइंट्स को मिला के हमने कर्व बना दी, मैपिंग बना दी। बट इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर लेंगे? आपके प्लेन में तो दो ही तो वेरिएबल है, और आपको जेड में दो वेरिएबल चाहिए, और दो वेरिएबल फिर आपको डब्ल्यू में चाहिए, डब्ल्यू में भी तो दो वेरिएबल है, यू प्लस आयोटा वी अगर मुझे लिखे तो दो वेरिएबल जेड में, प्लेन पे तो सारे ही दो डायमेंशन होती है, तो आप ग्राफ कैसे खींच देंगे इसका? यू कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ इन द प्लेन। दैट्स व्हाई हम अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ज्योमेट्रिकली पढ़ना चाहे, एक बच्चा कहता है सर फिर ज्योमेट्रिकली हम कैसे पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकली यू हैव टू टेक टू कॉपीज ऑफ द प्लेन, वन यू विल टेक दिस कॉपी, दिस कॉपी इज जेड प्लेन, मैं इसको बोलूंगा ये जेड प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
इसमें से मैं जैसे w इज इक्वल टू fz अगर लिखा है और एक प्लेन में ये लूंगा, इसको मैं w प्लेन कहूंगा, ये u एक्सिस, ये v एक्सिस, दिस प्लेन इज कॉल्ड w प्लेन। और यहां से यहां पर मैपिंग आपकी चल रही होगी, यहां से यहां पर आपकी मैपिंग होगी, उस मैपिंग को तुम क्या बोलोगे, w इज इक्वल टू fz। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली एनालाइज कर सकते हैं, आप इस प्लेन को कह सकते हैं xy प्लेन, उसको यू वी प्लेन भी कह सकते हैं, या डब्ल्यू प्लेन कह दो, या इसको जेड प्लेन कह दो खाली। अब क्या होगा, डोमेन का पॉइंट तुम यहां से लोगे, उसको पुट करोगे यहां, कोडोमेन का पॉइंट आएगा या रेंज का पॉइंट आएगा, उसको फिर यहां पे लोकेट करोगे। तो दिस इज द मेथड टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन ए ज्योमेट्रिकल मैनर, बट यू कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आप फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा गया, कॉलेज कैडर के इंटरव्यू में, कि fx इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ बनाओ, बना दिया उसने, फिर fz इज इक्वल टू मोड z का ग्राफ बनाओ, तो कैंडिडेट वाज आंसरलेस, वो जवाब ही नहीं दे पाया, वो ना तो ये कह पाया कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए इंटरव्यू में, आप क्या कहेंगे, कि ग्राफ ऑफ fz इज इक्वल टू मोड z कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन, प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको। अगर आप उसको प्रॉपर्टीज ग्राफ तो फिर भी नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टीज अगर आपको उसको पढ़नी है तो यू हैव टू टेक द टू कॉपीज ऑफ द प्लेन, वन फॉर द जेड कोऑर्डिनेट एंड अदर फॉर द डब्ल्यू कोऑर्डिनेट, एक जेड के लिए एक डब्ल्यू के लिए। बच्चों समझ आ रही है क्या बात ये? अब देखो, देखो मान लो यही फंक्शन है, एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड है, ऐसे है जी। अब तुम दो कोई पॉइंट मुझे, तुमने यहां से एक पॉइंट दिया मुझे, वन प्लस आयोटा पॉइंट दिया, ठीक है, ये जेड की वैल्यू है, इसको तुमने इसमें रखा, वन प्लस आयोटा का मॉडुलस किया, रूट टू आ गया, तो रूट टू आ गया तो वो पॉइंट यहां रियल एक्सिस पे आ गया, रूट टू। मैं यू कहूंगा कि ये वाली मैपिंग इस पॉइंट को रूट टू पर लेकर जाती है, ठीक है, अटैच करना है आपको, अटैच कर दो, ये वाली मैपिंग इस पॉइंट को यहां पर लेके जा रही है, ऐसे। तो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन ए ज्योमेट्रिकल वे, देन यू हैव टू टेक द टू कॉपीज ऑफ द प्लेन, वन फॉर द जेड वेरिएबल एंड अदर फॉर द W वेरिएबल। एक सिंगल प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ग्राफ नहीं बना करते, इज इट ओके? अच्छा वैसे एक बात सुनो, एक चीज और होती है, फंक्शन बोलना या मैप बोलना या मैपिंग बोलना, बातें तो वैसे तो ये एक ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बच्चों जब आप ये ज्योमेट्रिकली चीजों को पढ़ते हो ना, ज्योमेट्रिकली जब पढ़ते हो तो उस टाइम पे ज्यादातर लोग क्या बोलना पसंद करते हैं, मैपिंग, या फिर क्या बोलना पसंद करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो तुम ये भी कह सकते हो दिस इज ए लीनियर फंक्शन, नो प्रॉब्लम, तुम बोल दो लीनियर मैप, नो प्रॉब्लम। आपको सर एकदम से फंक्शन बोलते 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 अब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलने लगे हो, चार चैप्टर आपने कराया, आपने ये बोला दिस इज एनालिटिक फंक्शन, दिस इज एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन डी, फंक्शन बोल रहे थे, अब एकदम से क्या हो गया आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलना शुरू कर दिया या मैपिंग बोलना शुरू कर दिया। क्या होता है बच्चों, जब ज्योमेट्रिकली हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो ये ट्रेडिशन है कि भाई यहां पर हमने कोई कर्व ली, उस कर्व को कहां मैप किया, फंक्शन ने उसको कहां मैप किया, कहां ट्रांसफॉर्म किया, तो वो जो शब्द है ट्रांसफॉर्म, मैप, उसको करने के लिए हम ये बोलते हैं कि जो ये मैपिंग है, जो ये फंक्शन है, उसको हम मैपिंग कहें, हम इसको ये कहें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। जब कभी भी आप किसी भी बुक को उठा के देखना, आप ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज जैसे ही पढ़ने लगे, फंक्शन बोलना लोग बंद कर देते हैं और क्या बोलना शुरू कर देते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन और या फिर मैपिंग। गलत नहीं है, तुम ये कह दोगे दिस इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ जेड, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, ओके। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। अब ऐसा करते हैं, तीन तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है बच्चों, मैं उनको एक बार डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद मैं जनरल मैपिंग के आऊंगा, देन आई विल गो टू द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बाद में जाऊंगा। हाँ जी, नंबर वन ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों ट्रांसलेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नाम है ट्रांसलेशन। देखना, एक ट्रांसलेशन है, एक मैग्निफिकेशन है, एक रोटेशन है। मैं एक एक करके इनको डिस्कस कर रहा हूं। ट्रांसलेशन पे आ गया पहले। ट्रांसलेशन के लिए यह होता है कि ए आपका वन होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए वन, और बी क्या होना चाहिए नॉन जीरो। इस मैपिंग को ट्रांसलेशन बोल देते हैं। जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, आप इसमें ए को वन ले लो, बी को नॉन जीरो ले लो, तो जो मैपिंग आएगी उसका नाम क्या रखा जाता है, ट्रांसलेशन। क्यों रखा जाता है ये भी बताऊंगा। तो अच्छा टी बना दूं, एफ का भी टी बना दूं, लो जी टी, ताकि ट्रांसलेशन हो जाए। टी ऑफ जेड की क्या फॉर्म बन जाएगी, जेड प्लस बी,
ये फॉर्म, ए को ले लिया वन, बी को ले लिया आपने नॉन जीरो, जेड प्लस बी, बी इज नॉन जीरो, दिस मैपिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो जनरल ये बना के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तुम काम कर रहे हो, और जो जेड का कोफिशिएंट अगर वो आपने क्या ले लिया वन, तो आपकी जो मैपिंग आएगी उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ गए क्या? अच्छा क्यों बोलते हैं ट्रांसलेशन, सुनो। ट्रांसलेशन जो वर्ड है ना, उस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उस बात का मतलब है बच्चों किसी चीज को खिसकाना। समझ रहे हो क्या? जोर से बोलो। किसी चीज को खिसकाना, सरकाना। अच्छा ट्रांसलेशन का यह भी मतलब होता है एक सेंटेंस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे हम ये बोलते हैं ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, या मैंने ये चेयर पकड़ी और ये चेयर मैंने यूं खींच दी तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को जब किसी ज्योमेट्रिकल फिगर पर आप अप्लाई करेंगे तो ये मैपिंग उस फिगर को ट्रांसलेट कर देगी, खिसका देगी, सरका देगी। इस मैपिंग का ये काम है, इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इसका क्या नाम रख दिया, ट्रांसलेशन। जैसे सुनो, देखना, ये लो, ये मैंने वन, ये मैंने बच्चों एक रेक्टेंगल ले लिया ऐसे, ये जीरो है, ये टू है, ये आयोटा है, ये टू प्लस आयोटा है, दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके, इधर मैंने ये दूसरा फोटो बनाया और यहां पर मैंने ये मैपिंग ले ली, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस टू आयोटा। देखना, अच्छा एक चीज गलती ना कर देना, इस बी को ये मत समझ के बैठना कोई रियल नंबर है, आप कॉम्प्लेक्स का पेपर पढ़ रही हैं। अनलेस अदरवाइज मेंशनड, जब तक सामने वाला लिख ना दे कि रियल है, तब तक ये जो कांस्टेंट ए होता है, बी होता है, ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। यू कैन टेक आयोटा, रियल भी ले सकते हैं, रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये ना समझना कि बी आपके पास कोई रियल नंबर है। हाँ जी बताना जरा, इसको इसके साथ कंपेयर करना, जेड का कोएफिशिएंट तो वन चल ही रहा है और बी तुमने क्या ले लिया बच्चों, वन प्लस टू आयोटा ले लिया। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाली मैपिंग को इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करूंगा एंड आई वॉन्ट टू सी द इमेज, कि जो इसकी इमेज है वो क्या आएगी, ये मैं देखना चाह रहा हूं। ठीक है क्या? उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स पकड़े और उन वर्टिसेस को उठा के उसमें रखना शुरू किया। z इज इक्वल टू जीरो रखा, इसको इसको यहां पे ले जाके रखा, क्या आंसर आया बच्चों, वन वन प्लस टू आयोटा। तो ये आपका वन है, ये स्केल वन है, फिर ये स्केल तुम्हारा टू है, फिर ये स्केल आपका थ्री है, फिर ये वन, ये टू, ये थ्री। हाँ जी बताना क्या आया, जब जेड को जीरो पुट किया तो टी ऑफ जीरो कितना आया, टी ऑफ जीरो आया वन प्लस टू आयोटा। लोकेट करो, वन प्लस टू आयोटा यहां बनाना, ये पॉइंट है वन प्लस टू आयोटा, फिर टू को रख दो जेड की जगह पे, बोलो टी ओ कितना आया, टी टू कितना आया, थ्री प्लस टू आयोटा। तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, थ्री प्लस टू आयोटा, आप ऊपर गए, यहां जाके ये पॉइंट बना आपका थ्री प्लस टू आयोटा, ये वाला पॉइंट आपका वन प्लस टू आयोटा। अब तुमने आयोटा पुट किया इसमें Z की जगह पे, यहां पे आयोटा रखा, तो बताओ टी ऑफ आयोटा कितना आया, क्या आया टी ऑफ आयोटा, वन प्लस थ्री आयोटा। तो वन प्लस थ्री आयोटा आपके पास ये पॉइंट बनेगा, वन प्लस थ्री आयोटा, और ऐसे ही फिर ये पॉइंट ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये टू प्लस आयोटा रखो वहां पर, कितना आया बच्चों, टी ऑफ टू प्लस आयोटा कितना आया, थ्री प्लस टू आयोटा, यही आया ना, तो थ्री प्लस क्या आया, थ्री प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, तो ये बन गया थ्री प्लस थ्री आयोटा। इनको मिला दो सबको, इनको जब आपने मिलाया तो आपके पास ये एक फोटो बन के आ गया, ये एक रेक्टेंगल बन के आ गई बच्चों। अगर मैं इस रेक्टेंगल का नाम क्या रख दूं, एस, क्या रख दूं, एस, और ये मैपिंग अगर टी चल रही है तो ये स्ट्रक्चर क्या आ गया बच्चों, टी ऑफ एस। ठीक है क्या? अच्छा एक चीज और देखना सभी ध्यान से, अगर आप इस रेक्टेंगल के अंदर का कोई पॉइंट उठाते और उसको उठा के जेड की जगह पे रखते तो ये क्लियर कॉमन सेंस है कि जो आंसर आएगा उसके अंदर ही आएगा। अच्छा ये रेक्टेंगल है, वो भी एक रेक्टेंगल है, अच्छा उस रेक्टेंगल का जो साइज है वो उतना ही है, सेम है। अच्छा एक देखो टेक्निकली मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, आप इस कांस्टेंट के ऊपर ध्यान दो, ये कांस्टेंट क्या है, वन प्लस टू आयोटा है,
पता है इस मैपिंग ने इस रेक्टेंगल के साथ क्या किया है, एक्स कोऑर्डिनेट वन है बी का और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का टू है, तो इसने इस रेक्टेंगल को वन यूनिट राइट सरकाया पहले तो, और फिर इसको टू यूनिट ऊपर कर दिया। देख रहे हैं वन प्लस टू आयोटा जो मैपिंग है उसने इस रेक्टेंगल को वन यूनिट राइट एंड देन टू यूनिट अप और रेक्टेंगल वहां पहुंच गया। जब किसी चीज को आपने राइट सरका दिया फिर अप कर दिया तो उससे उसका साइज थोड़ी बदल गया। इस चेयर को उठा के मैं खींच लू तो ये चेयर टेबल थोड़ी बन जाएगी, चेयर ही रहेगी और जितना इसका साइज है उतना ही रहेगा। ठीक है क्या? अब सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं बच्चों, माइनस कर दूं तो बताओगे क्या होता? ये फिगर वन यूनिट राइट एंड देन टू यूनिट डाउन। फिर बताओ अगर मैं इसको भी माइनस कर देता तो क्या इफेक्ट पड़ता? दिस फिगर विल गो वन यूनिट लेफ्ट एंड देन टू यूनिट डाउन, और अगर यहां प्लस कर दूं तो फिर क्या होता? वन यूनिट लेफ्ट एंड देन टू यूनिट अप। इज इट ओके? ये ट्रांसलेशन का काम है एंड ट्रांसलेशन विल नॉट चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पास है ट्रांसलेशन अगर आपने उस पर लगाया तो जो उसकी शेप है वही रहेगी, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल है ट्रायंगल रहेगा, सर्कल है सर्कल रहेगा, और जो उसका साइज है वो भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यू गॉट इट? चलिए देखो रिमार्क लिखा है पहले ही पेज पे बॉटम में क्या लिखा है, ट्रांसलेशन मैपिंग डज नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए फिगर। आगे चल के बच्चों बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उस बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होगा कि बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक लाइन लूंगा, लाइन पर मैं बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा और इमेज जो ना सर्कल आ जाएगी, शेप चेंज हो गई। कई बार सर्कल पर अप्लाई करेंगे लाइन आ जाएगी, बट ये जो मैपिंग जो तुम्हारे पास है ट्रांसलेशन, दिस विल नॉट चेंज साइज एंड शेप ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आएगी तो उसका साइज और शेप चेंज नहीं होगा। आगे आओ रोटेशन। हां जी ये तो था ट्रांसलेशन, अब मैं करा रहा हूं रोटेशन। बोर्ड पर ध्यान देना सभी, रोटेशन ये तीन जो टाइप पे हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन मैग्निफिकेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स हैं। रोटेशन में हम क्या करते हैं, रोटेशन में एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मॉडुलस वन हो और जो बी है वो जीरो लेना है, ये रोटेशन है। बी को लेना है जीरो एंड ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज वन, जिसका मॉडुलस वन हो, बी जीरो लेना है। तो बताओगे आर जेड कह देता हूं, आर रिप्रेजेंट्स द रोटेशन, आर जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू आर जेड। मैं बोल सकता हूं ए को ये ले लिया तो ई की पावर आयोटा थीटा बोल दूं क्या, और इन टू में जेड, और बी लेना है आपको जीरो। ये सही लिखा क्या मैंने, मॉडुलस ए कितना है वन, तो ए क्या निकालोगे, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा टाइप के नंबर्स का ही तो मॉडुलस होना है। देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो यहां पे ए जेड कॉमा लगा के लिखो मोड इज इक्वल टू वन, और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख दो आर जेड इज इक्वल टू क्या, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा टाइम्स जेड। अब आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस तो होता ही वन है। इनफैक्ट एवरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज वन इज ऑफ दिस फॉर्म। तो ये रोटेशन है, ठीक है जी। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं कि ये रोटेशन किस तरह से काम करेगी, देखना जरा बोर्ड पर ध्यान से। दिस इज ए रेक्टेंगल, लेट मी टेक सम रोटेशन। मैंने W इज इक्वल टू आर जेड लिया, रोटेशन में अभी पढ़ के आया हूं, B को जीरो लेना है, A को ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका मॉडुलस वन हो, तो मैंने A को ले लिया आयोटा, लीजिए आयोटा जेड। ले सकता हूं क्या, आयोटा का मॉडुलस कितना है वन है, आयोटा माइनस आयोटा वन माइनस वन, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर हुज मॉडुलस इज वन, हाउ मेनी, इनफाइनाइट। यू जस्ट टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवाइड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स मॉडुलस। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया
3 प्लस 4 आयोटा, इसको क्या कर दूं 5 से डिवाइड कर दूं, अब ये क्या हो गया मॉडुलस अब कितना इसका 1। तो इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ऐसे होते हैं। एक बात सुनना, मैं इस मैपिंग को जिसका नाम हमने रोटेशन मैपिंग रखा है, आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस मैपिंग ऑन दिस रेक्टेंगल। ओके, दिस इज माई यू एक्सिस, दिस इज माई वी एक्सिस, ये यू एक्सिस है, ये मेरा वी एक्सिस है। जरा मैं चारों पॉइंट्स को एक बार पुट करना शुरू करता हूं। जीरो पुट करो जेड की जगह पे, क्या आ गया जीरो, तो ये जीरो आ गया आपके पास। फिर आपने टू पुट किया जेड की जगह पे, क्या आ गया टू आयोटा, तो दिस पॉइंट इज योर टू आयोटा, ठीक है, दिस इज योर जीरो। ओके, फिर आपने आयोटा पुट किया यहां पर जेड की जगह पे, क्या आ गया बच्चों बोलो माइनस वन, तो माइनस वन आ गया, तो ये पॉइंट आपका माइनस वन बन गया। फिर आपने टू प्लस आयोटा पुट किया जेड के स्थान पे, तो आयोटा टाइम्स टू प्लस आयोटा जो कि बन गया माइनस वन प्लस टू आयोटा, तो ये पॉइंट आ गया आपका माइनस वन प्लस टू आयोटा। मिला दो इनको सबको, इनको सबको मिला के आपने ये खींच दिया, ये आपके पास माइनस वन प्लस टू आयोटा आया। अगर वो एस है, ये तुम्हारा आर है, मैपिंग का नाम आर है, तो ये आर ऑफ एस आ गया, दिस इज आर ऑफ एस। ओके, अगर आप अंदर के पॉइंट पुट करोगे तो वो भी इसके अंदर ही आएंगे, ये आर एस हुआ। ये वाला रेक्टेंगल इस मैपिंग ने उस रेक्टेंगल पर मैप कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया, यू बोलो दिस रेक्टेंगल एस या इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल एस इज मैप्ड ऑन टू दैट रेक्टेंगल बाय दिस मैपिंग आर जेड। कोई बच्चा कहेगा सर रोटेशन कैसे हुआ, जरा ये तो बताओ इसका नाम रोटेशन क्यों रखा है आपने, या आप इसको रोटेशन क्यों कह रहे हो, कैसे रोटेशन हुआ है। एक गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बच्चे समझते हैं रोटेशन लिखा है ना और ये रेक्टेंगल की मुझे इमेज निकालनी है, तो मुझे इस रेक्टेंगल को रोटेट कर देना है। बच्चे यूं सोचते हैं कि इस रेक्टेंगल का सेंटर लो, सेंटर पे जाके कील गाड़ दो और रेक्टेंगल को रोटेट कर दो। बच्चों बात सुनो, इस रेक्टेंगल को तो आप स्टडी कर रहे हो, ये मैपिंग तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लग रही है, वो तो आपने इसको जो ना शेडेड किया है, मैपिंग तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लग रही है, ये मैपिंग तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को रोटेट कर रही है इनफैक्ट। अच्छा एक बात और सुनो, आपको सर कितने एंगल से रोटेट कर रही है, आप इस आयोटा को लिख लो इसकी पावर आयोटा थीटा फॉर्म में। देखो एक बात बताओ, आयोटा को क्या लिख सकता हूं, e की पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है, क्या बात ये कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, तो ये आयोटा ही तो आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, हो गया। यहां से वो एंगल मिल जाता है जो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए होता है, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिख लो, ए का मॉडुलस अगर वन है तो पक्का इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जो ये थीटा तुम्हारा आ गया, ये थीटा आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन होता है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आयोटा को लिखा मैंने, क्या लिख दिया ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, लो जी इस आयोटा को मैंने यहां से उठाया और मैंने लिख दिया ई की पावर आयोटा पाई बाई टू टाइम्स जेड, ये लिख दिया। पता क्या होगा, दिस मैपिंग विल रोटेट दिस प्लेन, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस प्लेन को रोटेट करेगी 90 डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जरा इमेजिन करो थोड़ा सा, ये प्लेन है, इसको सेंटर मान लो ओ को, समझो कि ये कोई आपके पास कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, आपने ओ के ऊपर एक कील गाड़ दी और इन दोनों को पकड़ा ऐसे और 90 डिग्री से यूं रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, क्या वो फोटो नहीं आ जाएगी, नहीं समझ रहे हो क्या। इमेजिन करो, देखो ये पकड़ रखा है क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को कितने डिग्री से 90 डिग्री से किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज यूं घुमाओगे, तो ये रेक्टेंगल जो अभी तुम्हें यूं दिख रहा था क्या वैसे नहीं बन जाएगा क्या, ये रोटेशन हुआ है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द मैपिंग इज रोटेशन। ये मिस्टेक मैंने स्टूडेंट्स के द्वारा देखी है, वो समझते हैं सर रेक्टेंगल को रोटेट करना था, रेक्टेंगल को तो तुम पढ़ रहे हो, मैपिंग तो पूरे प्लेन पे लग रही है, वो तो पूरे प्लेन को रोटेट कर रहा है और तुम देखो तुम्हारा रेक्टेंगल कहां गया। Is it okay? तो सच ए मैपिंग इज सेट टू बी द रोटेशन, क्या ये फार्मूला बना गया, रोटेशन में क्या लेना होता है, ए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका मॉडुलस
1 हो और b क्या लेना है आपको 0 तो आपके पास ये फॉर्म आएगी e की पावर आयटा थीटा z एंड व्हेनेवर ए मैपिंग इज इन दिस फॉर्म e रेज़ टू पावर आयटा थीटा इनटू z व्हाट दिस मैपिंग विल डू दिस मैपिंग विल रोटेट द प्लेन थ्रू एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इट ओके एनी डाउट अच्छा लो मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे बताना जरा आंसर क्या आएगा लीजिए मैंने अब की बार क्या किया ना वो जो ए लेना था मैंने ले लिया माइनस जेड ले लिया बता सकता है कोई बच्चा ले सकता हूं माइनस वन ए की जगह पे माइनस वन ले सकता हूं क्या क्योंकि माइनस वन का मॉडुलस कितना है वन कोई बताएगा ये जो मैपिंग है ये इस प्लेन को कितने डिग्री के एंगल से रोटेट करेगी पाई एंगल से माइनस वन को लिखने का क्या तरीका आएगी पराठा थीटा में माइनस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई जब कभी भी कोई नंबर है आप उसको ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिख लो ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिख के आपको थीटा मिल जाएगा समझ गए तो ये मैपिंग अगर लगाओगे तो ये प्लेन आपका 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा कोई बच्चा बता सकता है आंसर कहां आएगा इस रेक्टेंगल का अगर इसको यू पकड़ के और यू ले जाओ ऐसे ये एक्स एक्सिस उधर चला गया कहां बना थर्ड क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल कैसा बनेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेक्टेंगल की क्या फॉर्म आएगी हॉरिजॉन्टल ये फॉर्म आएगी रेक्टेंगल की अच्छा चलो छोड़ो नहीं समझ आ रहा तो ये चार पॉइंट पकड़ो और ये चार पॉइंट पकड़ के यहां पुट कर लो चारों के चारों पॉइंट नेगेटिव हो गए चारों नेगेटिव हो गए जीरो तो जीरो ये क्या रहा माइनस आयोटा ये आ गया ये क्या बन गया माइनस का टू और ये क्या बन गया माइनस टू माइनस आयोटा लो जी ये आंसर आ गया रेक्टेंगल का दिस इज योर आर एस ये आर एस बना क्लियर टू एवरीबडी एनी डाउट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं लो लीजिए मैंने अब की बार क्या किया ना यहां पे इसको मैंने कर दिया माइनस आयोटा जेड कर दिया अब बताओ क्या ले सकते हो माइनस आयोटा यस माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना है वन है वो भी अब बताओ क्या इफेक्ट आएगा अब अगर आप इसके ऊपर लगाओगे क्या इफेक्ट आएगा हां जी पहले माइनस आयोटा को ई की पावर आयोटा थीटा में लिखो माइनस आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर थ्री पाई बाई टू आयोटा कह लो या माइनस पाई बाई टू भी कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या बोल सकते हो माइनस पाई बाई टू आयोटा बोल लो तो भी वही आएगा और ई की पावर अगर तुम थ्री पाई बाई टू आयोटा कर लोगे तो भी वही आएगा व्हाट दिस मैपिंग विल डू क्या करेगी ये मैपिंग ये इस प्लेन को 3 पाई बाई टू के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज या यूं कहो क्या पाई बाई टू एंगल से क्लॉकवाइज तो आप इसको पकड़ो और पाई बाई टू एंगल से क्लॉकवाइज घुमा दो ये वाई एक्सिस नीचे आ गया ये इधर चला गया आप बता सकते हैं रेक्टेंगल कहां जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल या ओरिजेंटल वर्टिकल तो ये रेक्टेंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके ऐसे बन जाएगा यू गॉट इट ये ये आपका यू एक्सिस है ये आपका वी एक्सिस है ये जीरो है ये पॉइंट क्या है जानते हैं ये पॉइंट है आपका वन ये पता कैसे आया है आयोटा को रखने से जब आयोटा को यहां पे रखोगे ना जड़ की जगह पे माइनस आयोटा स्क्वेयर वन बन गया ये पॉइंट जानते हो क्या है ये माइनस का टू आयोटा और ये क्या है ये है वन माइनस टू आयोटा ये चार पॉइंट है तो ये मैपिंग होती है बच्चों रोटेशन आ गई सबको समझ जनरल फार्मूला रोटेशन का समझ आ गया क्या है क्या लेना होता है बी तो क्या लेना है जीरो और ए क्या लेना है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस वन हो